पहले फैसेलिस में अब्बू लोग छोड़ के चले गए थे, अब वाइफ भी छोड़ के चले गए। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अभी निकल रहे हैं ऑफिस की तरफ, और आज का जो सेंट ऑफ द डे है वो है कोई खुली नहीं रहा एक्वा दी जियो परफ्यूमो क्लास। इस मौसम में लगाने के लिए मैं तो कहता हूँ इससे अच्छा बम कोई नहीं है, बम बम जो भी है वो वाला सीन है। ये धुआं धुआं सा उठने दो, उठने दो जलने दो जो भी है। बाजू का बंदे को अपने लिरिक्स भी खुद बना लेने चाहिए। अच्छा ये फैसले इसका मरकज़ है, यहाँ पे एक प्लाजा है, यहाँ पे दुकान बुक कराने के लिए आया हूँ एक क्लाइंट की। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे दुकान बुक हो सकती है। चक्कर है आप, मैं यहाँ पे एक क्लाइंट का एक कराने के लिए आया था बुक, और ये इतना कोई एंटीक किस्म का प्लाजा है ना, इतना कोई एंटीक किस्म का प्लाजा। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा यार ये इन्होंने बनाया था ए वन बेड अपार्टमेंट ये वाला, जहाँ पे ये लकड़ी की वो फटियाँ पड़ी हैं और ये इनके पास एक स्पेस थी। तो मैं इनको कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार इधर एक अपार्टमेंट मुझे बना दें ये वाली जगह पर, और ये सामने हो जाएगा रेस्टोरेंट, ये रूफ टॉप ओपन है। और ये यहाँ से आप देखें स्काई लाइट जब वो कितनी ज़बरदस्त किस्म की दी है उन्होंने। मैं तो जी इस प्लाजे का हो गया फैन। सामने यार चाहिए ये ब्लॉक सिविक सेंटर की, सामने वो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है फातिमा ज़हरा मस्जिद, जहाँ पे मेरा ऑफिस है। अच्छा टाइम हो रहा है कोई 9:15 बजे का, और मैं जा रहा हूँ वापस ऑफिस से घर की तरफ। आज जो थे वो शहबाज शरीफ साहब आए हुए थे मार्गला अमन पे, ऑफिशियली ओपनिंग जो है वो मार्गला अमन की हो चुकी है। और अब इस तरह का है कि अभी मैं आ रहा था वापसी पे, तो वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त मंडी लगी थी मार्गला अमन के बिल्कुल उसके सामने। तो अभी मेरा आज दिल था कि इधर से जाऊँगा मंडी में, थोड़ा सा रेट शेट भी पता करेंगे क्या रेट है, क्योंकि मैंने सुना है वैसे कि रीज़नेबल मंडी है इधर की जो इर्द गिर्द का इलाका ना वहाँ पर। लेकिन फिर आज टाइम का थोड़ा है, अभी रास्ते में देखते हैं क्या सीन बनता है, अगर तो किसी मेरा तो रास्ते में कोई देखते हैं मंडी, नहीं तो इंशाल्लाह ताला कल मंडी की जो है वो वीडियो एक बार अपलोड होगी। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज अभी निकल रहा हूँ ऑफिस की तरफ, इतनी कोई शदीद किस्म की धूप हुई है, और कल जो धूप थी बता नहीं सकता मैं आपको। उसके अलावा अभी आज कोशिश करेंगे कि बकरा मंडी जाएं, जो संगजानी लगती है, बड़ी मैंने सुना है बड़ा मशहूर है वहाँ पे, बड़ा सस्ता जानवर होता है। तो आज देखेंगे इंशाल्लाह ताला जी का कितना सस्ता जानवर होता है, अगर भी सस्ता हुआ तो हम भी खरीदेंगे इंशाल्लाह। अच्छा इस टाइम में गुजर रहा हूँ मार्गला एवेन्यू से, कल ये जो था इस्लामाबाद की हेडलाइंस बना हुआ था मार्गला एवेन्यू, वो इसलिए बना हुआ था कि कल यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है हमारे शहबाज शरीफ साहब वो आए थे, उन्होंने इसका जो है ऑफिशियल ओपनिंग की है मार्गला एवेन्यू की। लेकिन मुझे समझ ये बात नहीं आ रही कि अभी तो इसका यानी कि एक पैच वर्क जो है वो रहता है जो इसको सर्विस रोड से मिलाता है, उससे पहले ओपनिंग हो गई है। लेकिन खैर जो भी है ये काफ़ी तवील अरसे का एक प्रोजेक्ट था जो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी यूनिक चीज़ मुझे नज़र आई, बड़ी यूनिक चीज़ नज़र आई, और वो ये है शिजान के मैंगो के जूस। ये आजकल मिलते ही नहीं है, खान के पास पड़े हैं। यार अहमद भाई ये देखिए कितनी एंटीक चीज लेके आए हो, शिजान ये हमारे भाई ने रखे हैं, ये हमारा भाई ये तो कंपनी नहीं बनी। इसका भी कल एक कंप्लेंट आया था कारिश ने बोला मुझे, किस चीज का? इसी का। क्यों कारिश कह रहा था यार ये कहता है यो यहूदी का क्या कह रहा था, वो कहता है ये बन के ये वो है। हां ये नहीं आता ना, बड़े अरसे बाद भाई मैंने कहा बड़े अरसे बाद ही नजर आई है फॉर ग्लोइंग हेल्थ। बकौल अहमद भाई के, अहमद भाई कह रहे हैं इसका टेस्ट चेंज हो चुका है, अहमद भाई नहीं आई पसंद यार, पता नहीं बड़े अरसे बाद पिए शायद टेस्ट का मेन। जब मैं छोटा था ना इसका मजा पता क्या होता था, एक घूंट पीते थे बोतल खत्म हो जाती थी। सीन इस तरह का हुआ कि आज हमारा प्लान बना दूध सोडा बनाने का ऑफिस में, अब प्लान तो बन गया लेकिन चीजें नहीं है, जग भी नहीं है, ना चीनी है ना ही बर्फ है। मैं गरीब हूँ
तो अभी आया हूँ बहन के घर इधर, और यहाँ से लेके जाऊँगा जग, चीनी और बर्फ, फिर आज बनाते हैं दूध सोडा। और ये बच्चे जो हैं वो इधर पढ़ रहे हैं, इतने शरीफ बन के बैठे हुए हैं, इतने शरीफ बच्चे बन के बैठे हुए हैं। और एक जो छोटी सी चुन्नू है वो इधर घूम रही है, हेलो बेबी, हेलो। बर्फ, ये बर्फ, चीनी और जग जो है वो तैयार हो गया। अब जो हमारे शेफ साहब हैं वो बाहर गाड़ी में बैठे हुए हैं और उनसे बनवाते हैं दूध सोडा। ये आ गया जी ऑफिस बाबा जी, और ये हमारे बैठे हैं जी बाबा जी। सलाम अलैकुम शकीर भाई, कोई लिफ्ट नहीं शकीर भाई। हां जी, क्या हाल है? ठीक है। देखिए आपने दूध थोड़ा बंद लगा स्पेशली आपके लिए, आप इतने गर्मी में आए, कैसे हो सकता है कि हम आपको आते हैं? दूध थोड़ा हो सकता है, मैं पीऊ ही नहीं। की नमाज पढ़ के निकला ऑफिस में। वैसे होने का ये फायदा होता है की आपकी नमाजें जो है वो सारी मस्जिद में जाती है, और ये बाहर चल रहा है मैच। फिल्में कर रहे हैं, पता नहीं क्या फिल्में, क्या फिल्में कर रहे हो? क्या मिला? ये देखो स्टिकर मिला, दिखाओ मेरा। ये आपने वीडियो बनाई थी ना जयकाल जी है, काल साहब से। अच्छा पकड़ो, जैसे पकड़ो, खोलो। ये देखो एक मैन है। ओए ओए, ये बड़ी मजेदार चीज है। ये देखो, एक बड़ी मजेदार चीज निकली है, इससे खेलने का तरीका। ये जो दीवार, ये देखो बड़ी मजेदार चीज निकली है, देखो। छोड़ दो, छोड़ दो, खुद ही आगे नीचे छोड़ दो। 2000 years later. इसकी तो कोई बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। ये एक्वेरियम है, मैं एक्वेरियम के ऊपर मारता हूँ, उसके कुछ जलाद दादी खराब हो गए। मारो मारो, हैप्पी बर्थडे लीहा। मुशर जो है उसकी बर्थडे हो रही है, मुशी केक खाने लगी है। मेरी भी बर्थडे हो रही है, बकर की भी बर्थडे हो रही है, बिया की भी हो रही है, मेरी गांस होगी बर्थडे, मेरी हो रही है, बानिया की भी हो रही है, अब बकर की भी हो रही है, बिया की भी, सारा भी हो रही है। पहले फैसले में बुलो छोड़ के चले गए थे, अब वाइफ भी छोड़ के चले गई है। फैसल हिल से आने के बाद मैंने कहा ठंडे ठंडे पानी से नहाऊंगा, लेकिन पानी भी गर्म आ रहा था। पता नहीं लाइफ में क्या क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही मामला। अच्छा मैं जा रहा हूँ बाहर वाइफ को छोड़ने के लिए, वो अपनी अम्मी के साथ जा रही है। उसका था कि आज आंटी कहीं थी कि मौसम मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, तो एक दो दिन उधर रह लूँ। मैंने कहा ठीक है, उसने मुझे इमोशनल किया, मैं इमोशनल हो भी गया। तो मैं इनको जा रहा हूँ बाहर सी ऑफ करने के लिए।